Fred. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब दोस्तों का आज की एक और नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेकर आ चुका हूँ बाबर एक्स शाह की ओरिजिनल एक्सो फाइल का फुल ट्यूटोरियल। जैसे कल ग्रेडिंग फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और जैसी आपने सेम प्रीव्यू के अंदर देखी, सेम टू सेम इसी तरह की कल ग्रेडिंग फ्रेंड्स आपको मैं आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल वे के अंदर करना सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप भी फ्रेंड्स सेम इसी कल ग्रेडिंग को अपनी वीडियोज के ऊपर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने इस वीडियो को ध्यान से कंप्लीट वॉच करना है, तभी जाकर आप इसको अपनी वीडियोस के ऊपर कर पाएंगे। अदरवाइज फ्रेंड्स आपको चाहिए इसकी एक्सो फाइल, तो उसके लिए आपके पास इस वीडियो पे ओनली 200 लाइक्स का टारगेट है। आप जैसे ये टारगेट कंप्लीट करोगे इंशाल्लाह आपको एक्सो फाइल मिल जाएगा। अदरवाइज फ्रेंड्स अगर आप में से किसी भी भाई ने अभी लेना है तो आप मुझसे ये व्हाट्सएप पे आकर ले सकते हैं। आपको साइड पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आपको वहां पर यह पेड मिलेगा बहुत ही चीप प्राइस के अंदर। तो जिस भाई ने भी लेना है तो आप जल्दी से आ जाएं व्हाट्सएप पे। तो चलिए फ्रेंड्स हम बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नहीं तो हमारे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए इसी तरह की ट्रेंडिंग क्वालिटी के ट्यूटोरियल लेकर आता रहेगा। तो आपने फ्रेंड्स क्या करना है, प्लस वाले साइन पे करना है क्लिक, और फर्स्ट में एक शेप ऐड करनी है। इसे आपने अपनी वीडियो के ऊपर कर देना है जूम, और कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे आकर इसका कलर रख लेना है स्काई। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ से बैक, और आपने इसके बाद यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है। यहाँ पे अगर आपने नीचे अदर वाले ऑप्शन पे आना है, और सबसे फर्स्ट में आपने कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने फिर से ऐड इफेक्ट करना है। इस बार फ्रेंड्स आपने यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे अगर आपने गुचियन ब्लर को ऐड कर लेना है, उसके बाद आपने कर लेना है इसे ओपन। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपने गुचियन ब्लर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके 0.200 के अराउंड में एडजस्ट कर देना है, और उसके बाद आपने फिर से बैक आना है और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है। उसके बाद आपने यहाँ से कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे अगर आपने एक्सपोलर गामा को ऐड कर लेना है, उसके बाद आपने कर लेना है इसे ओपन। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से एक्सपोलर की स्ट्रेंथ को फ्रेंड माइनस में करना है। आप इसे माइनस 0.90 के अराउंड में एडजस्ट कर देना। उसके बाद आपने यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है। डिफरेंस पे आकर इसे सबट्रैक्ट कर देना। उसके बाद आपने फिर से प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, और एक और शेप ऐड करनी है। इसे भी आपने कर देना है अपने वीडियो के ऊपर जूम। उसके बाद आपने कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे आना है। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे आकर आपने इसका कलर रख लेना है व्हाइट। उसके बाद आपने फिर से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आना है, और कंट्रास्ट पे आकर इसे ओवरले कर देना है। अब हमारा आखिरी स्टेप है फ्रेंड्स, आपने इसे ध्यान से फॉलो कर लेना है। तो आपने एक और शेप ऐड करनी है, इसे भी आपने कर देना है अपने वीडियो के ऊपर जूम। जूम करने के बाद आपने आ जाना है कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे। सबसे फर्स्ट में फ्रेंड्स आपने इसका कलर येलो रख लेना है यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ से एक पेन वाले आइकन के नीचे एक शेप नजर आ रही होगी, मैं सॉरी यहाँ से आ जाता हूँ बैक। बैक आने के बाद आपने यहाँ से जो पेन वाले आइकन के नीचे एक शेप नजर आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसका कलर यहाँ से ब्राइट कर लेना है। इस तरीके से आप इसे सर्कल को ब्राइट वाली साइड पे ले आना, व्हाइट वाली पे। इसका कलर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ से बैक। उसके बाद आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ऐड इफेक्ट करना है। उसके बाद आपने नीचे अदर वाले ऑप्शन पे जाना है, और फिर से आपने कॉपी बैकग्राउंड को ही ले लेना है। इसको फर्स्ट में ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपने बैक आना है, और फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे अगर आपने कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आना है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ चले आना है। यहाँ पे अगर आपने सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने करना है इसे ओपन, और यहाँ से सैचुरेशन के स्ट्रेंथ को फ्रेंड्स आपने इंक्रीज करके प्लस 73 के अराउंड में एडजस्ट कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे वाइब्रेंस वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पे आकर इसे अपनी वीडियो के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से आना है बैक, और फिर से आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, और फिर से आपने ऐड इफेक्ट करना है। इस बार फ्रेंड्स आपने ऊपर सर्च बार में चले जाना है। यहाँ पे आकर आपने बी आर सर्च कर लेना है। आप जैसे यहाँ पे बी आर सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट वाला इफेक्ट शो होगा। आपने इसे ऐड कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ से आपने ब्राइटनेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके प्लस 5 तक एडजस्ट करना है। और उसके बाद आपने नीचे कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है। कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद फ्रेंड आपने यहाँ से कंट्रास्ट की स्ट्रेंथ को माइनस कर देना। आप इसे माइनस 28 के अराउंड में एडजस्ट कर देना। इतना करने के बाद फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे कलर ग्रेडिंग तो हो चुकी है कंप्लीट। लेकिन अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर शार्पन इफेक्ट को ऐड करना है, तो आप उसे भी इसी तरीके से ऐड कर लेना जैसे मैं आपको ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, और ऊपर सर्च बार में जाकर SH सर्च कर लेना है। आप जैसे यहाँ पे SH सर्च करोगे तो आपके सामने फर्स्ट में ये इफेक्ट शो हो जाएगा। आपने कर लेना इसे ऐड,
ऐड करने के बाद आपने करना है इसे ओपन। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपने इसकी स्ट्रेंथ को कुछ इस तरीके से प्लस कर देना है, आप इसे 0.75 के अराउंड में एडजस्ट कर देना तो आपकी वीडियो के अंदर शार्पन फैक्ट भी बिल्कुल अच्छे से ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी वीडियो में शार्पन फैक्ट नहीं ऐड करता, तो आप अपनी मर्जी से अगर आपने ऐड करना हो तो आप इसे ऐड कर लेना। तो ये थी फ्रेंड मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल फ्रेंड्स आपको किसका चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता देना। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो ट्यूटोरियल भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँ। तो आपने उसके बाद ऊपर वाली तमाम लेयर्स को अपनी वीडियो के आखिर तक रख लेना है ताकि इफेक्ट आपकी पूरी वीडियो के अंदर अप्लाई हो जाए। तो अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी ऐसे सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आप लोगों को क्रिकेट के रिलेटेड इसी तरह की ट्रेंडिंग क्वालिटी की वीडियोस बनाना सिखाता रहूंगा। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट ट्रेंडिंग वीडियो के अंदर। आप सब दोस्त अपना ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना।